हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ जी और नीट एग्जाम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चैप्टर 12। And in this chapter, we will discuss about only one heading, classification and nomenclature of organic compounds. This lecture is very, very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये फर्स्ट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 में जी मेंस के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या नीट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ये अभी फरवरी है और नीट का एग्जाम लगभग मई के लास्ट वीक में होने वाला है। JEE का अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, जैसा भी डेट आएगी इन्हीं के आसपास आपके एग्जाम होंगे। मई में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। तो जब भी एग्जाम होंगे 2022 के, उनके लिए मैं ये प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें केवल वो चीज कराई जाएगी जो पिछले सालों में, पिछले 20 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन जी मेंस में या नीट में आए हुए हैं, दोनों का डिस्कशन एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा और इससे ही आपको बहुत फायदा होगा। तो बस आज के इस लेक्चर में ध्यान देना चालू करिएगा। आज का मैंने टॉपिक जो लिया है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये चैप्टर 12 कहलाता है और इसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और इस वाले टॉपिक से मैंने फर्स्ट हेडिंग चूज किया है, वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले जो बताने जा रहा हूं वो 2021 का ही है, पिछले साल आ चुका है। आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, हर रोज आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा जी और नीट के। उसके अलावा जो सीरीज हमारी पहली जो टॉपिक चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उनको भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 अगस्त 2021 JEE का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से लिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये क्वेश्चन है, सुन लीजिए ध्यान से, चूज द करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है अभी जस्ट पिछली साल। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का आपको क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। लेकिन ये क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी बात है, IUPAC के साथ साथ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी यूज किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जेड और ई नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका भी पुट आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीजें आज आप समझ जाएंगे कैसे निकालना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ा जाता है ये मैंने यहां पर ब्रेक करके इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए। CH3 इधर देखो, ये CH3 है, ये CH3 मैंने यहां लिख के बताया है आपको। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इधर देख लीजिए, ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है C। सिंगल बॉन्ड यहां BR है, ये पहले से लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड BR है। यहाँ डबल बॉन्ड सी, यानी ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सी एच होता है, एच रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, मैंने आपको लगा के बताया है क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये सी है, देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई बॉन्ड
लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के पहले वाला पार्ट जो है ना ये सी माना जाता है। मैंने यहां आपको लिख के बताया है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो ये सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये इसका लिखने का तरीका है। आपके दोनों देख लीजिए एग्जाम, इधर देख लीजिए, इस एग्जाम को मैंने इसके फॉर्म में आपको लिख के बताया, पेपर में आपको ये पॉइंट आउट अपने मन में करना है, जरूरी नहीं है आप लिख करके वहां पर दिखाएं, एकदम सही। तो ये हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, इसको मैंने ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर का क्या रूल होता है, हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो इस एग्जाम में लॉन्गेस्ट चेन यहां से होगी, ये सी एच थ्री है वन, उसके बाद ए टू, ए रहा थ्री, ए फोर, ए फाइव और ए सिक्स, ये सिक्स कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। सेम यही फॉर्मूला है, इसमें भी अगर चाहें तो, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इसको नंबर वन टू थ्री फोर उसके बाद ये फाइव एंड सिक्स, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से ब्रेक करके स्ट्रक्चर को बताया है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मेल खा रहा है। तो ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का सिंपल रूल होता है कि वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है सिक्स हैं, उसके बाद नंबरिंग मैंने यहाँ से की, तो आपके मन में आ सकता है कि नंबरिंग आपने यहाँ से क्यों नहीं की, यहाँ से भी टू नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, यहाँ से टू नंबर पर डबल बॉन्ड लगाया है, तो आपको मैं बता दूँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों लगे हों बराबर की दूरी पर तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग की, अब हमें नाम लिखना है, नाम लिखने का सबसे बेस्ट रूल है, मैंने कई लेक्चर्स में आपको सिखाया है, फिर भी आज चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको शॉर्ट में समझते जाना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो है वी आर। तो यहाँ पर कितने नंबर पर, टू नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू ब्रोमो, क्या लिखूंगा टू ब्रोमो। ये पहली चीज हुई, सबसे पहले सिंपल सी चीज है, नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद हम सेकेंड नंबर पर वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। वर्ड रूट क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को बोला जाता है, और ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन यानी सिक्स कार्बन की, यहां पर हाइपन लगाएंगे और सीधा लिखेंगे हेक्स। सेकेंड नंबर पर वर्ड रूट का नेम लिखा जाता है, थर्ड नंबर पर हम मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखने की दो प्रोसेस हैं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगे हैं तो पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे इन, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे आयन नंबर डाल करके, पहले इन का नाम और उसके बाद आयन का नाम। तो देखिए यहाँ पर टू नंबर पर डबल बॉन्ड है और फोर नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखूंगा हेक्स टू इन, और उसके बाद में फोर नंबर पर आयन लगा हुआ है तो लिखूंगा फोर आयन। देखिए ये आ गया टू ब्रोमो हेक्स टू इन फोर आयन, ये इसका कंप्लीट। और फोर्थ नंबर पर हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये वाला पॉइंट हम छोड़ देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है नेमिंग की, और ये नाम हमारा लिख गया, लेकिन इसने जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से ये तीन चार नई चीज़ें जोड़ दी हैं, जरा ध्यान से देखिए, ए नंबर पर ए फोर ई, बी नंबर पर टू ई, सी नंबर पर टू ई, डी नंबर, ये इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ये क्या है। और सारे नामों में अपन देखेंगे तो ज़रूर हमें कोई ना कोई नाम इसमें मिल जाएगा, देखो टू ब्रोमो हेक्स ये नहीं मिल रहा है, टू ब्रोमो हेक्स टू इन, देखिए ये वाला नाम मिल रहा है टू ब्रोमो हेक्स टू इन फोर आयन, ये तो मिल रहा है, लेकिन अब इन हमें ये चेक करना पड़ेंगे कि ये टू ई और फोर ई क्या हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इस एग्जांपल में,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? ये सिंपल सी बात है, जब डबली बॉन्डेड कार्बन से ये टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हो इस तरीके से, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। सी पर भी दो डिफरेंट ग्रुप हों, दूसरे सी पर भी टू डिफरेंट ग्रुप हों, जैसे मैंने ए और बी द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ऐसा इसमें भी है। तो देखिए ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है, इससे टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, और इससे भी देखिए टू डिफरेंट ग्रुप या एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम ऐसे नोमेनक्लेचर के लिए नाम देते हैं जेड ई नोमेनक्लेचर। साथ में एक और बात इसमें है कि ये चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसमें हम सिस और ट्रांस के रूप में नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं, बल्कि जेड ई नोमेनक्लेचर करते हैं। जेड ई क्या है? तो यहाँ पर हमें जेड ई नोमेनक्लेचर करना है। ये जैसे मान लीजिए जेड और दूसरा ई, ये नोमेनक्लेचर किया जाता है। जेड का मतलब होता है जुस्सा मेन, और ई का मतलब होता है एंट गेगन, जी ई एन एंट गेगन। इसका मतलब होता है जुसामेन वाला जो पार्ट है, जेड का मतलब होता है टुगेदर टुगेदर, और ई का मतलब होता है, ई का मतलब समझ लीजिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। टुगेदर माने साथ साथ, यानी एक ही कार्बन एक ही डायरेक्शन में, तो उसे बोला जाएगा टुगेदर। और अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका एंटीगेगन का मतलब होता है अपोजिट। तो टुगेदर यानी एक ही, यानी सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ये जर्मन वर्ड है, इनसे नाम दिया गया है। तो आपको क्या देखना है कि जेड और ई कैसे निकालेंगे। जेड मींस होता है इसमें आप दो ग्रुप दिए, सी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें आपको ये देख लेना हायर प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, बी आर का या फिर सी एच थ्री का, आपको ये देखना है। कैसे देखेंगे? Br है इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इधर CH3 में C का यानी फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि Br का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 35, और इसका कितना कार्बन का होगा, 6। तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी कौन हुआ, Br हुआ। इस वाले डबल बॉन्ड इस C पर देखेंगे H है, यहाँ पर H का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और यहाँ पर हायर प्रायोरिटी में आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा ग्रुप अटैच है, ये वाला ग्रुप, तो इसमें C लगा, ये भी C है और ये भी C, लेकिन इस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो C सिंगल बॉन्ड H की अपेक्षा C ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ये वाला है। कौन, ये भी 6 है लेकिन C ट्रिपल बॉन्ड 6 को हायर प्रायोरिटी मानेंगे यहां पर, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अब आप जी देख लीजिए हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में, तो जी हायर प्रायोरिटी देखिए H यहां पर, ये लोअर प्रायोरिटी में, तो हायर प्रायोरिटी ये इस तरीके से आपको देखिए ये सेम डायरेक्शन है, Br और H सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में दोनों हायर प्रायोरिटी नहीं है। जब से तो यहां पर हायर प्रायोरिटी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और यहां पर हायर प्रायोरिटी है एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए, बी आर और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इसे ई नोमेनक्लेचर बोला जाता है। इस टाइप से ई माने अपोजिट डायरेक्शन और जेड माने टुगेदर यानी सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर लिखा जाएगा ई। तो इस नाम के पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई। अब ई में भी इसने नंबर डाल दिए 2E 2E 4E, तो ये क्या है 2E 4E, तो इसमें ये देखा जाता है कि जहां से नंबरिंग करते हैं तो पहले नंबर 2 आता है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर अटैच है, इसलिए इसे 2E, लास्ट वाले को नहीं लिखा जाता, 2 3 पूरा नहीं लिखा जाता, केवल लिखा जाएगा 2E। तो यहां पर अपन 2E लिख देंगे, दो नंबर पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर हल्का सा हाइपर लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा सही होगा, 2E वाला होगा, 2E 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आयन, यानी सी नंबर वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा मेल खा रहा है, तो दिस आंसर इज करेक्ट।
ओके ये होता है। तो यानी आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन आ गया जेडबलई में, लेकिन उसने क्वेश्चन को क्या किया है कि 2E और 4E में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नॉलेज होना चाहिए, जिसको मैंने आपको बताया कि डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो टू ग्रुप होते हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में हो हायर प्रायोरिटी तो उसे हम बोलेंगे जेड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो हायर प्रायोरिटी तो उसे बोलेंगे ई। तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिया मैंने 2E, तो 2E, 2 bromo hex, 2E in 4-ion, IUPAC का रूल्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो क्वेश्चन को बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े कांस्टेंट माइंड से, बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑप्शन तो आप पे लिखे ही हुए हैं, सॉल्व जब करोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। कि जैसे इसमें ये देखा जाए कि 4E लगा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 नंबर पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम से निकालते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। 4 वाले हम दोनों को रॉन्ग लगा देंगे, ना तो ये ए हो सकता ना ही ये डी हो सकता। अब दो में कन्फ्यूजन है, बी और सी में 2E आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 2 ब्रोमो करेक्ट है। हेक्स फोर आयन लिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो नाम लिखा है वो आयन का पहले लिखा है, इन का बाद में, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रायोरिटी में तो ये इन पहले आता है, उसके बाद आयन आता है। तो हम समझ लेंगे कि ये वाला आंसर बी वाला बिल्कुल गलत है और सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में बदल लो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। इस तरीके से मैंने सीरीज आपको हर रोज़ आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आज मैंने ये एक ही क्वेश्चन आपको सिखाया है, भविष्य में आपको एक दिन में 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता हूँ। पहले मुझे इसे देखने के बाद आपको कैसा लगता है और ये सीरीज आपके लिए लाभप्रद होगी या नहीं होगी ये भी मुझे बताना है। और आपके पेपरों तक जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको कम्प्लीटली पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए मैं क्रम से सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज मैंने 21 का क्वेश्चन लिया है, इसमें और जो भी क्वेश्चन आए होंगे चाहे वो JEE का हो नीट का है, मैं यहाँ लिख के बताऊंगा, आप उसे नोट भी करते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए। तो चलिए, ये सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने साथियों को जल्दी जल्दी इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। स्वयं सब्सक्राइब हो जाइएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो, और उसके बाद में कुछ ही दिनों में जो कि आपने पढ़ ही लिया होगा मेरा मैसेज, मैं पेड चैनल चालू करने वाला हूं जिसमें 100 रुपीज़ पर मंथ में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE या नीट का कोर्स कराने वाला हूं। आप उसमें भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अभी से विचार कर लीजिएगा, और आपका पैसा भी बहुत सारा बचने वाला है। फिर भी आपके मन में कोई विचार आता है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मोबाइल नंबर भी होता है, वहाँ भी जाकर के आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।